पिछड़ा राज्यों को आगे नहीं किया जाएगा? भाई आप इतना पहले हिसाब तो दीजिए कि जो केंद्र सरकार से और आप ही की उप मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता इस बात को कहते हैं कि विशेष राज्य के दर्जे में जितनी सहूलियतें या जितनी राशि मिलती है उससे ज़्यादा राशि केंद्र सरकार आपको पहले ही दे रही है, और ये हम लोगों ने देखा भी था कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही राज्य के लिए एक बड़ी राशि की घोषणा चुनाव के दौरान की गई थी। पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बताएं कि वो पैसे कहाँ गए। भाई आप कब तक विशेष राज्य के दर्जे के बहाने के पीछे अपनी नाकामियों को आप छिपाते रहेंगे? बिहार में केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसका जो पैसा आता है बिहार में, उसको हम लोगों ने देखा है कि वो राशि पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं होती है, उस राशि को आप खर्च नहीं करते हैं, और बार बार आप बहाना बना लेते हैं विशेष राज्य के दर्जे का। हम लोग समर्थन करते हैं कि भैया विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, पर मैं ये भी मानता हूँ कि जब तक ये मौजूदा सरकार है विशेष राज्य के दर्जा मिलने के बाद भी बिहार में कोई विकास नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इनके पास नीतियाँ नहीं हैं। भाजपा के सांसदों के वो बयान पार्लियामेंट में आप सुनिए जिसमें इन लोगों ने इस बात को प्रमुखता से उठाया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास उद्योग को लेकर, रोजगार को लेकर या विकास की किसी भी योजना को लेकर इनके पास कोई नीति नहीं है। तो ये आज की तारीख में सिर्फ एक बहाना बना रहे हैं कि भैया बिहार में विकास इसलिए नहीं हुआ। 16 साल से आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आज 16 साल के बाद आपके पास बहाना इस बात का है कि भैया प्रदेश में विकास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमें विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। तो बाकी उन केंद्र की योजनाओं या केंद्र की उन राशियों का क्या हुआ? वो पैसा कहाँ गया? बिहार सरकार का जो अपना राजस्व है उसका पैसा कहाँ गया? तो ये सारा पैसा क्या सात निश्चय के भ्रष्टाचार में गोल हो गया? और अब मुख्यमंत्री के पास बहाना सिर्फ एक ही बचा कि भैया विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। कहना है कि क्या विकास दिखता नहीं है बिहार में, कितना विकास किया? केंद्र सरकार अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देती है तो हम बीजेपी को रास्ते से हटा देंगे। जेडीयू एमएलसी खाली दनवर का बयान दिए। हाँ तो हटा के दिखाएं भाई, हटाएं ऐसा गठबंधन किस काम का। और देखिए इस बात को पिछली बार जब 10 नवंबर को रिजल्ट आए थे, 11 नवंबर को मैंने प्रेस वार्ता की थी और मैंने उस वक्त मैंने इस बात को मैंने प्रमुखता से कहा था कि 1.5-2 साल से ज़्यादा ये सरकार चलने वाली नहीं है। भाई किस मुद्दे पर एक हैं ये? और मैंने तो बार बार बोला है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो बस बहाना ही ढूंढ रहे हैं। उनको बहाना चाहिए, क्यों? क्योंकि उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आकर उनको प्राइम मिनिस्टर मटेरियल बनना है, और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, उन्हीं की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये प्रस्ताव पारित हुआ है। तो जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनना है वो इस गठबंधन से अलग होने का बहाना ढूंढेगा ही ढूंढेगा। और तमाम विषय, जातिगत जनगणना की बात हो, पेगासस का मामला हो, जितने ये विषय हैं, इन तमाम विषयों पर दोनों गठबंधन के भीतर विरोधाभास इस बात को दिखाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपनी राहें अलग करने की का प्रयास कर रहे हैं। भाई दिखा देना, चलिए एक बार दिखाई दीजिए मुख्यमंत्री जी, दिखा दीजिए आप विकास, दिखा दीजिए। आज ही एक और अखबार में रिपोर्ट आई है कि भैया किस तरीके से प्राथमिक शिक्षा में बिहार सबसे पिछले पायदान पर है। आप किसी भी प्राथमिक विद्यालय चले जाइए, मैंने अभी एक वीडियो भी मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे मैंने अपलोड किया, स्कूल में शिक्षक नहीं होते हैं, बेंचेस नहीं होते हैं, बैठने की जगह नहीं होती है, भवन नहीं बने होते हैं, अस्पतालों के वही हाल हैं। तो भाई शिक्षा के मापदंड बताइए ना क्या है, विकास के मापदंड बताइए ना। क्या आपके विधायकों के घर खूबसूरत बनना क्या विकास के मापदंड है? क्या आपका एयर कंडीशन कमरे में रहना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विकास का मापदंड है? इनके विधायक, इनके मंत्रियों के पास तमाम तरीके की सुख सुविधाएं होना ही विकास का मापदंड है? भाई बिहार गांव में बसता है, गांव की हालत जाके देख लें। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर चाहें तो मैं उनके साथ चलने को तैयार हूँ, चल के मैं उनको दिखाता हूँ कि बिहार के गाँव के क्या बदहाल स्थिति है। गाँव में मैं रहता हूँ, रात गुजारता हूँ वहाँ पर, मैं उन परिवार वालों को मैंने देखा है जिनके पास झोपड़ी तक नहीं है, घर सर के ऊपर छत तक नहीं है। और ये बात करते हैं विकास की, समाज सुधार यात्रा पे निकल रहे हैं 22 तारीख से, समाज सुधार यात्रा पे निकल रहे हैं। मंत्री को समाज को सुधारने के लिए यात्रा निकालनी पड़े तो इससे ज्यादा शर्मनाक और दुखद कोई और बात नहीं हो सकती। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से
आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम हो का सिर्फ यहां। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 982170796।